दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया के एक छोटे से टाउन में 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट और 237 किलोमीटर लंबी ट्रांजिशन लाइन बनी हुई है, जिससे कि इस देश के करीब 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे ही प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गुआम नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि साइज में हमारे मुंबई शहर से भी छोटा है। इस आइलैंड में अंडरसी इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहने वाले करीब 2.25 लाख लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील रेबार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन एफिल टावर से भी करीब 4 गुना ज्यादा भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। असल में इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो है टाटा, क्योंकि टाटा ही वो कंपनी है जिसने कि इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है। अब टाटा हमारे देश की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके एक्चुअल साइज को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा कंपनी के रियल साइज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेद जी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, और आज टाटा 154 साल के बाद 30 अलग अलग ज्वाइंट कंपनीज का एक ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए है। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और इसके एम्प्लॉयज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS है, जिसका करंट मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई ये कंपनी IT और कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है, और साथ ही इसके एम्प्लॉयज की गिनती भी 6 लाख के करीब है। अब पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर बात करें तो उसमें TCS की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी, और इन्हीं सब चीजों के चलते आज एक्सेंचर के बाद से इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी माना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि TCS आखिर ऐसा क्या काम करती है कि आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज में की जाती है। अब वैसे तो TCS दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात जानते ही होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन TCS की ही बदौलत आज ये प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि TCS ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। दरअसल TCS हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसके ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। TCS के बाद से टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का काम कर रही है। आज से 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरे दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इस समय इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, स्टील सेक्टर की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है, और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और टाटा के इन ब्रांड्स में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड्स का नाम शामिल है। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म एंड ट्रेवल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर टाटा की कम्प्लीट मोनोपोली चलती है। अब आप में से काफी सारे लोगों ने ताज, विवांता और जिंजर जैसे फेमस होटल्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इन तीनों होटल्स के अलावा और भी कई सारे लग्जरी होटल चेन्स को टाटा ऑन करता है। साथ ही एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी और फेमस एयरलाइन की ओनरशिप भी टाटा के पास ही है। टूरिज्म एंड ट्रेवल के बाद से टाटा के लिए उसका अगला मुख्य सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टाटा ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाटा की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि दुनिया भर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसे भी टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी ने ही बनाया है। और दोस्तों इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कई दूसरे सेक्टर्स में भी मौजूद है, जहां साल 2021 में अपनी इन सभी कंपनी से टाटा को कुल $128 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। असल में इसका रीजन ये है कि टाटा की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया से बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल TCS की ही अगर बात करें तो फिर उसके टोटल रेवेन्यू में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5-6% के बीच में रहता है, जबकि अपना 95% रेवेन्यू TCS दूसरे देशों से जनरेट करती है। और इससे ये बात साबित होती है कि जिस तरह की रेपुटेशन टाटा का इंडिया में है, वैसे ही मजबूत पकड़ इसने दूसरे देशों में भी बनाई हुई है। वैसे टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन और इसके इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने का सबसे बड़ा श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की ही लीडरशिप में टाटा ने सिर्फ 9 साल के अंदर 36 अलग अलग विदेशी कंपनीज को एक्वायर करके दुनिया को ये दिखा दिया था कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। टाटा के द्वारा एक्वायर की गई इन कंपनीज में टेटली, कोरस ग्रुप, डाइवू और जगुआर एंड लैंड रोवर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम शामिल है। और दोस्तों इन सभी सेक्टर्स के अलावा टाटा ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। असल में टाटा को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ई कॉमर्स इंडिया के सबसे तेजी से उभरते हुए सेक्टर्स में से एक है। ऐसे में टाटा ऑलरेडी बिग बास्केट और 1MG जैसे ब्रांड्स को एक्वायर कर चुका है। साथ ही अभी कुछ महीने पहले टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा नियो को भी लॉन्च किया था, जिसके हेल्प से अब टाटा के डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर परचेज किए जा सकते हैं। और दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EVs के बारे में, क्योंकि टाटा की ये स्टोरी उसके शानदार EVs के बारे में डिस्कस किए बिना पूरी ही नहीं हो सकती। असल में इंडियन EV मार्केट के अंदर टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां इंडियन EV मार्केट का 80% से भी ज्यादा शेयर अकेले टाटा के पास है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल 2021 में इंडिया के अंदर बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कार्स में 11,600 कार्स अकेले टाटा ने बेची थी। असल में टाटा की इस सक्सेस का मेन रीजन है कि इंडियन मार्केट में उसके जैसे मजबूत, स्टाइलिश और सस्ती EVs और दूसरी कोई कंपनी नहीं बना रही। और दोस्तों टाटा EVs में कैसे डोमिनेट कर रहा है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप टाटा के बारे में ये सभी फैक्ट जानने के बाद से आपको इसके एक्चुअल साइज का अंदाजा हो ही गया होगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।